हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। गाइज, आपका पैसा कब तक मिल पाएगा। गाइज, इन्होंने डॉक्टर नेहरू शेख ने तो बोला था 1-1.5 साल के लिए। गाइज, वो अपडेट पैसों का था या फिर गाइज किस चीज़ का था। तो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको मैं सभी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपका पैसा कब तक मिल पाएगा। और गाइज, इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको 1-1.5 साल तक, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। गाइज, आपने वो सही से नहीं सुना। गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सही करके बताने वाला हूँ। तो गाइज, वीडियो में एंड तक बने रहना है। बट उससे पहले की बात बोलना चाहूँगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है लाइक कर दी, और हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइज, बिना टाइम्स के वीडियो को वॉच करते हैं। तो भाई, सबसे पहली बात कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो अपलोड की थी, तो गाइज मैंने उसमें ये बताया था कि ईद के बाद 1 हफ्ता था, उससे अगले हफ्ते में पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, या फिर मैंने बोला था फ्राइडे तक स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये नहीं बोला था कि आपको मंडे में स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई, पेमेंट स्टार्ट कर दिया जा रहा है। पेमेंट स्टार्ट होने के बाद गाइज यहाँ पर समझ सकते हैं 25 तारीख आ चुकी है और गाइज पेमेंट स्टार्ट होने वाला है। बात को मेरी गाइज ध्यान से समझना। गाइज, उन्होंने डॉक्टर नेहरू शेख ने ये बताया था कि हमने कुछ डाटा ले लिया है, कुछ डाटा लेना बाकी है। वो कुछ डाटा तो लिया जाएगा, वो 1-1.5 साल के बाद मिल पाएगा। और जो कुछ डाटा है वो हमने लड़ाई झगड़ा कर हमने कुछ डाटा ले लिया है। लेकिन गाइज, उन्होंने ये बताया कि आपको पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको सारा पैसा नहीं मिल पाएगा। जितना गाइज डाटा लिया है उसमें से गाइज थोड़ा थोड़ा पैसे कर सभी के अकाउंट में भेज दिया जाएगा, लेकिन गाइज आपको सारा पैसा एक साथ नहीं मिल सकता। उसके लिए गाइज आपको कितना वेट करना पड़ेगा आपको पता है? कम से कम गाइज 1-1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा पैसा गाइज आपको अभी मिल जाएगी। गाइज, इन्होंने डाटा ले लिया है, कुछ डाटा ले लिया, कुछ डाटा लेना बाकी है। तो गाइज आपको थोड़ा पैसा अभी शुरू में ही मिल जाएगा। पेमेंट स्टार्ट होने वाला है इसी हफ्ते में, सबके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन गाइज आपको 23 लाख जिस बंदों का, उसमें से गाइज 23 लाख सहरा नहीं मिल पाएगा। उसमें से लगता है मुझे गाइज 10 लाख भी सहरा नहीं मिल पाएगा, कम ही मिल पाएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं डाटा सहरा नहीं मिला, डाटा आधा ही मिला है। उसके बाद गाइज ये डाटा भी लड़ाई झगड़ा कर मिलाया, आधा मिल पाया। और गाइज 1-1.5 साल बताएंगे, 1-1.5 साल कुछ बंदे बोले 1-1.5 साल के बाद सारा पैसा मिलेगा। गाइज ऐसा नहीं है, उन्होंने पेमेंट स्टार्ट कर दिया। 1-1.5 साल का मतलब ये है कि सारा डाटा जो डाटा बचा हुआ है 1-1.5 साल के बाद मिलेगा। उसके बाद जो आपको बचा हुआ पैसा रहेगा वो 1-1.5 साल के बाद मिलेगा। तो गाइज आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा निकल सके गाइज अच्छी बात है, जितना हमारा पैसा मिल सके अच्छी बात है। क्योंकि गाइज लग रहा था कि कंपनी पैसा भी नहीं दे, लेकिन गाइज कुछ बंदे बोल रहे हैं कि अभी भी लॉलीपॉप दे रहा है। इन्होंने वैसे ही बोल दिया 1-1.5 साल लगेगा, पैसा नहीं देगा, ये ऐसी भाग जाएगा। तो गाइज अभी कंपनी भागी नहीं, सभी को पेमेंट इस हफ्ते में स्टार्ट करने वाली है। देखने गाइज स्टार्ट कब होने वाला है, इस हफ्ते में होने वाला है। लेकिन गाइज आपको अकाउंट में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजा जाएगा, सारा पैसा नहीं मिल सकता। इस बंदों के 23 लाख रुपए हैं, फिर 20 लाख रुपए, उनमें से मानो कि आपको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। 20 लाख वाले की 5 लाख भी मिल सकते हैं, मिले तो गाइज वरना उससे कम ही है। यू ऐसा समझ सकते हैं काफ़ी बंदे और सारा डाटा नहीं मिल पाया, कम ही डाटा मिल पाया है। तो इसलिए गाइज आपको सारा पैसा नहीं मिल सकता। उसके लिए गाइज आपको 1-1.5 साल का वेट करना पड़ेगा। 1-1.5 साल से भी गाइज ज़्यादा भी लग सकता है, कोई मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगा। लेकिन गाइज ये इन्होंने क्लियर नहीं बताया आपको पेमेंट तो स्टार्ट हो जाएगा, कब तक आपको जितना डाटा मिला है उसका पैसा कब तक मिल पाएगा। गाइज ये अभी कोई क्लियर नहीं कराया जब तक आपका पैसा मिल जाएगा, अभी कोई क्लियर नहीं कराया। मतलब जैसे आपको पेमेंट इस हफ्ते में स्टार्ट होना मिलेगा तो आपको सारा पैसा कब तक मिल पाएगा, उसके लिए तो 1-1.5 साल बता दिया। ये नहीं बताया कि जितना डाटा मिला है उसका पेमेंट कब तक लास्ट हो पाएगा, इसलिए कुछ अभी बताया नहीं। तो गाइज आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हमारा जितना पैसा निकल रहा है तो गाइज निकल ही रहा है, और हमारे पास से तो जा चुका है। और गाइज धीरे धीरे करके ही मिलेगा, एक साथ तो सारा नहीं मिल सकता। गाइज बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई झगड़ा करके ये भी डाटा हमने लिया है, ये भी नहीं मिल रहा था। तो गाइज समझ सकते हैं बाकी का पैसे की आप उम्मीद रखना कि मिल सकता है। क्योंकि गाइज 1-1.5 साल बता दिया, उसमें गाइज आपको समझ सकते हैं 2025 आ जाएगा ऐसी करते करते, और 2021 इसमें ही खत्म हो लेगा। और गाइज आज की इस वीडियो में यही बताने वाला था। गाइज मैं पहले वीडियो में बताया था कि 2021 इसमें ही खत्म हो लेता, तो गाइज कुछ बंदों ने वो वीडियो देखी, उनको पता भी होगा। जिस बंदों ने गाइज वो वीडियो देखी उनको पता भी होगा कि मैंने उस वीडियो में क्या बोला था कि भाई 2021 इसमें ही खत्म हो जाएगा, बकरीद भी आ जाएगी। और गाइज ये नहीं बताया कि बकरीद तक आपको इतना डाटा मिला है, इतना पैसा मिल जाएगा, कोई क्लियर नहीं किया है। तो गाइज आज की इस वीडियो में यही बताने वाला था। कुछ बंदे गलत समझ रहे थे कि 1-1.5 साल के बाद पैसा मिलेगा, गाइज ऐसा ना समझे, आपको दुआ करने की जरूरत है। जितना डाटा मिला है इंशाल्लाह हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की कोशिश होगी। गाइस समझ सकते हैं किसी बंदे को ज़्यादा भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा बंदे हैं सभी को थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। उसके बाद गाइस दोबारा से डाटा मिलेगा, उसके लिए तो गाइस आप भूल जाओ 1-1.5 साल गाइस काफ़ी दिन होते हैं। और गाइस आप समझ सकते हैं 1-1.5 साल गाइस ऐसे नहीं आते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताना था, आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो पैसा जा चुका है। टेंशन लेने का क्या करोगे, टेंशन लेकर भी नहीं मिल पाएगा। तो आज की वीडियो में यही बताना था, इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है, और हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।